फुहारों में नशे की हालत में झूमते एक युवक चासगरगा पुल के पास जैसे ही पहुंचा तो वो पुल से नीचे जा गिरा, जिससे उसके दोनों हाथ में गंभीर चोट है। स्थानीय लोगों की मदद पुलिस के द्वारा उसे इलाज के लिए बोकारो सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। युवक का नाम राकेश कुमार है। पुल से 25 से 30 फीट की ऊंचाई से गिरने की वजह से उसे गंभीर चोट आई है। बोकारो सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि युवक नशे की हालत में था और उसे गंभीर चोट आई है। सदर अस्पताल में इलाज के बाद उसे बाहर रेफर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवक अभी ठीक है और होशो हवास में है। उसके एक हाथ में गंभीर चोट है। ड्यूटी से काम करके आ रहा था, इसी दौरान वह पुल से नीचे गिर गया। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, जो अभी गिरे हैं लोग गरगा ब्रिज पर से, वो जैसा कि अभी मैं गया इमरजेंसी में, एक मरीज था जिसका नाम राकेश करके है, उसी से बातचीत करने पे उसने मेरे को बताया कि वो ड्यूटी से लौट रहा था और गरगा पुल जो हमारा जो गरगा ब्रिज है उससे ब्रिज से नीचे गिर गया। लेकिन जो बंदा है वो नशे की हालत में है और जब उसको मैंने देखा और उसका एक्सरे हम लोगों ने करवाया यहाँ पे, तो देख रहे हैं कि बाएं हाथ की केहनी की हड्डी भी टूटी हुई है और साथ ही साथ दाएं हाथ की कलाई की हड्डी भी टूटी हुई है। दाएं हाथ की कलाई की बात जहाँ तक है उसका हम लोग यहाँ पे प्लास्टर करके उसका निदान कर लेंगे, और लेकिन बाएं हाथ में उनका ऑपरेटिव प्रोसीजर करना होगा, जिसको हम लोग प्लान करते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में रिम्स में इसको बेहतर इलाज के लिए भेजेंगे। ऐसे मरीज पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रथम दृष्टया जिस तरह से उससे बातचीत करके लग रहा है कि उसमें सिर में किसी भी तरह की गंभीर चोटें नहीं हैं, पूरी तरह से होशोहवास में है, लेकिन नशे की हालत में है।